सामान घर के अंदर आ रहा है। इतना पर्याली करते हमारे यहाँ। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली आफ्टरनून, दोपहर के अभी बज रहे हैं 2। जस्ट अभी मैं कर रही हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग। अभी मैंने ब्लॉग एडिट कर लिया है, आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर दिए हैं। हाय जोशी जी। हेलो जी, कैसे हो जी? बढ़िया। सबके गले खराब, मम्मी का और मेरा तो ज्यादा ही गला बैठ गया है। सर्दी जुकाम बुरा हाल हो रखा है। और अभी जोशी जी अपना लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं अपने ऑफिस का। काफ़ी दिन हो गए, इनका भी ऑफ ही ऑफ चल रहा है, तो कॉल्स वगैरह आ रही हैं। घर का भी काफ़ी सारा काम रहता है, सामान अंदर लेके आना है, सेटिंग करनी है, जो भी होगा आपको ब्लॉग में दिखाती रहूँगी। बने रहिए साथ में। मेहंदी देखिए कितनी खाली हो गई है। जोशी जी इतना प्यार करते हो आप मेरे को, इतना सच में? ये केमिकल है, ये इनका प्यार व्यार नहीं है, ये तो लड़ते ही रहते हैं मेरे से। बाकी जो भी है, नहीं चढ़ती वो फिर आपका प्यार होता है। हेलो गाइस, इधर दुल्हन से बात हो रही है और सारे गली वाले बहने बैठे हुए हैं। जय माता की। हाँ कैसे करियो, हाँ कैसे कर, यहाँ पौधा भी लगाया जा रहा है। ये चार की नानी पैसे देके गई। भैया दे रहा हूँ तेरे को, भैया दे रहा हूँ, जो नानी देगी मुझे। चल ये उससे बड़ा नोट है, चल शिवा। वो 10 का, ये 10 का और 20 का, वो ज्यादा है। ये वो फेंक दिया मैंने, वो कम है ज्यादा है भाई। नानी वाला है वो, कह रहा है ये तो आपने दिए, नानी वाला नोट का है वो। दो तो वो दूंगा, एक दूंगा, इन दोनों में से दो थोड़ा दूंगा तेरे को। भाई चल, एक नोट है बस, वो बड़ा नोट है। अरे उसी का पचास कर दे यार। चल दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, वो भी दे रहा हूँ, ले चल। चलो हाँ, इतने चाले पैसे दे दिए चांद को, इतने चाले पैसे दे दिए मेरे को, दो मैं लूंगा। नहीं नहीं रहने दो, उसके बारे में दो, उसको दिए। एक मेरा हो गया, एक अम्मा को गया, ठीक है? ये ताली तो ताली मार, ये बात हो गया, ये बन गया चांद बेवकूफ। जय हो सूर्यदेव भगवान। बढ़िया धूप आ रखी है आज। ये आर्टिफिशियल घर जो जोशी जी ने छत पे बनवाया था, यहाँ पे भी हमारे रिलेटिव्स वगैरह गद्दे लगा के सोए थे मजे से। अभी खोला जा रहा है, लग रहा है कि छत है। जो सामान घर से बाहर गया था वो भी सामान घर के अंदर आ रहा है। ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, फ्रिज को दोबारा से उसकी जगह पे रखा जा रहा है। सब अपने अपने घर पहुंच गए। मेहमान भी अपने अपने घर पहुंच गए और हमारा फ्रिज भी अपनी जगह पहुंच गया है। ये भी अपने घर गया। चल ये सबसे बढ़िया काम हो गया। एक बार फिर से अलमारी और ड्रेसिंग टेबल अपनी जगह पे लग चुके हैं। अभी यहाँ पर थके आ रहे सब लोग लेटे हुए हैं और देखा जा रहा है व्लॉग, मेरा व्लॉग देखा जा रहा है। टेंटन नहाकर भी मैं हो चुकी हूँ तैयार और अभी यहाँ पे जोशी जी कर रहे हैं लंच। सुबह जब मम्मी और गिशी जा रहे थे तो नाश्ते में मम्मा ने, मेरी सासू माँ जी ने सब्जी बनाई थी। गांव से ना चूख लेकर आए थे ताऊ जी मेरे, तो उन्होंने जब दादा की शादी थी, चाचा जी की लड़की की शादी, वहाँ पे मम्मा को दिया था। तो पापा के हाथों मम्मी ने सारा सामान यहाँ भेज दिया था, इतना सामान यहाँ वहाँ लेके कहाँ जाऊँगी करके। तो कुछ चूख मम्मा यहाँ छोड़ के गए हैं, कुछ अपने साथ छोटी सी बोतल में लेके गए हैं क्योंकि वो खट्टा कम खाते हैं। तो मम्मी ने आलू की सब्ज़ी में डाल दिया था वो चूख, तो उससे ना खट्टा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था सब्ज़ी में। तो अभी उसकी सब्जी को थोड़ा सा उसमें पानी डाल के उसमें थोड़ी सी ग्रेवी बना के उसके साथ ही चावल खाए जा रहे हैं, नहीं तो फिर खाली ये भी वेस्ट होगा। शाम के बज रहे हैं अभी 4, हमारे घर वाले कर रहे हैं रेस्ट और हम दोनों निकल आए हैं घर से बाहर। मैंने शादी के समय पे पर्स खरीदे थे, आरती के लिए भी खरीदा था, मम्मी के लिए भी, खुद के लिए भी। तो मैंने शादी में ये वाला पर्स यूज़ करने के लिए लिया था, मैंने तो खैर टांगा भी नहीं है, मम्मी ने ही संभाल रखा था। इसमें पैसे, बाकी जो भी ज़रूरी सामान शादी में यूज़ हो रहा था सब कुछ था। तो ये पर्स ना यहाँ से उखड़ गया है, सिर्फ एक दिन ये कल ही यूज़ हुआ और उसकी तनी सी उखड़ गई है। तो जहाँ से मैंने लिया था वो कह रहे थे कि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो अगर रिपेयर करवा देंगे इसको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे कलर बहुत पसंद आया था, पहली नज़र वाला प्यारा है मेरा। होता ना कोई चीज़ पहली नज़र में पसंद आती है, टंगा हुआ देगा, मेरे को मुझे यही लेना है बस, कितने का भी हो मुझे यही ख़रीदना है। बड़े प्यार से मैंने ख़रीदा था ये, तो अभी ऐसा सा हो रहा है तो उसके साथ का सेम पीस मंगवाऊँगी, बाकी देखते जो भी होगा। दीदी आपको कैसा फील हो रहा है आरती की शादी के बाद? सही है यार, क्या फील होगा, सब लड़कियों को जाना ही पड़ता है अपने घर, आरती भी गई है, लेकिन आज हम जाने वाले हैं आरती के घर। तो आज का व्लॉग इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है।
हमारी तेज किस्मत के चलते शॉप बंद है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस अपना टूटा हुआ पर्स लेके। टाइम हो रहा अभी शाम के 4:20। हम दोनों जा रहे हैं अभी आरती का ब्राइडल लहंगा वापस करने के लिए, मेरा लहंगा और ज्वेलरी पीछे दीदी ने पकड़ी हुई है, नहीं तो फिर इसका एक्स्ट्रा रेंट पड़ना शुरू हो जाएगा। मम्मा भी आए हमें छोड़ने के लिए घर के मोड़ तक। जोशी जी का स्वेटर निकला है अभी, जैकेट डिक्की के अंदर से मम्मी को दिया अंदर ले जाने के लिए, मम्मी उड़ के खड़ी हो गई यहाँ पे। चले हाँ चलो, डर तो नहीं लग रहा? नहीं, विश्वर दीदी ना सहम सहम के बैठी थी, आज आराम से बैठी हाथ छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं, पता है बढ़िया चला लेगी घर। चलो चलते, चलो चलिए। पौने 5 बजे अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ आरती को लेने। चलो 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 चलो। जय माता दी भक्तजनों, हम पहुंच चुके हैं अभी शॉप पे, अब तो लहंगा दिखा सकते हैं, अब कोई डर नहीं, अभी तक हमने छुपा रखा था। भाई साहब चेक कर रहे हैं यहाँ पे, कहीं तोड़ फोड़ तो नहीं करके लेके आए, ज्वेलरी तो नहीं खराब कर दी, लहंगा तो नहीं फाड़ दिया हमारा, सब ओके है जी, सब ओके रिपोर्ट है, आप तसल्ली से चेक कर सकते हैं। 32 के 32 दांत दिखा दिए देखो। ओ वैसे पहले मैं भी सोच रही थी कि मैं लहंगा यहाँ पे रेंट पे ही लूँगी करके, लेकिन फिर देख रहे थे हम आरती के लिए मेहंदी की हल्दी की ड्रेस, तो वहाँ से मुझे पसंद आया, शादरा से लिया था ना हमने मेरा वाला, हमने शादरा से खरीद ही लिया था। शाम के 5:21 पे अभी हम लोग पहुँच गए हैं घर, वहाँ से हम लोग स्कूटी पे बैठे बातचीत करते करते घर तक पहुँच गए। मैं दीदी को बोल रही, मैं वीडियो तो शूट ही नहीं की, हम लोग यहाँ से निकल गए करके, मैं चलो शिलू आ जा बहन, आ जा सामान सामान लेके आ जा। लहंगा देख के हम लोग घर भी वापस आ गए। मेरे मम्मी को बोला, मम्मी नींद पूरी कर ली, कह रहे कहाँ, फोन पे फोन, फोन पे फोन, ये नहीं कि थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, सभी नींद ले सो रहे हैं, मुझे तो अभी भी इतनी भयंकर नींद आ रही है, मुझे कोई कहे आरती सो जा मैं एक सेकंड में सो जाऊँ, पर अभी मुझे तैयार होना है क्योंकि मुझे जाना है मेरी नंद के ससुराल। मम्मी नहीं जा रही क्योंकि मम्मी को नींद आ रही है, मम्मी सोएंगी फोन पे बातें करेंगी ना, सो जाएगी तो अभी बस तैयार हो जाओ, उठो फटाफट। फिर फोन आ गया आरती का, 2-3 घंटे से बैठी हूँ, अरे 2 घंटे और बैठूंगी, पार्लर घर पर बुला रखी है, पार्लर वाली घर बुला रखी है, तैयार हो रही है। चलो भैया आरती को आज मेकअप वाले लुक में देखेंगे, मस्त वाले। मैंने कहा क्यों यहाँ इतना 5-6 घंटे यहाँ नहीं हुआ, जो यहाँ से वहाँ गई, निकल गया, फलों की टोकरी खोली जा रही है, हमारा परिवार इकट्ठा हो चुका है, बस जोशी जी के आने की वेट है, जोशी जी मौके पे आएंगे जब सारी मेहनत हो जाएगी। वाह कमला को मिला गिफ्ट, फल खोल दो, शीलू की एंट्री बहुत सही टाइम पे हुई है भाई साहब, आ जा आ जा आ जा, फल खाएंगे, आ जा आ जा, आरती के ससुराल से आए हुए फल। खेल लो तुम लोग, अब ये लो, ये ऐसे था मम्मा, वैसे था, खाओ यार टूट पड़ो यार, खोलो तो क्या क्या फल है दो, इसमें है अनार है, अंगूर है, संतरे हैं, सेब है, काले अंगूर, काले अंगूर दो यार, मैं काले अंगूर, लेकिन अंगूर मीठे भी हैं, काले अंगूर काले अंगूर काले अंगूर काले अंगूर, काम आ जाएंगे परसों में, खराब होंगे मेरी हंसी भी कितनी अजीब सी हो रही है आजकल, मेरी हंसी सुनकर मुझे खुशखुश आ रही है, अंगूर भी लागे रखे उसमें, आधी टोकरी से भर रखी है, आधी टोकरी है, आधी टोकरी आधी टोकरी घास भूस है, आधा टोकरा ये है, सब खा लेंगे ना जल्दी, मैं तो पड़े हुए खा रहा हूँ, पड़े हुए सभी पड़े हुए सारे खा लो, चूड़ियाँ पहन ली है मैंने, और अभी जस्ट ब्लाउज वेयर किया है, साड़ी पहनूंगी अभी, ये न्यू साड़ी है और आज फर्स्ट टाइम ही वेयर होने वाली है, ये रिसेप्शन के लिए स्पेशल सिलवाई गई थी, और अभी यहाँ पे हेयर क्रिम्प किए जा रहे हैं, दीदी भी साड़ी पहनेंगी, अब प्रॉपर तैयार होने के बाद फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको। टेन 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 लीजिए, अभी तैयार हो चुकी हूँ मैं, आज खुले पल्ले वाली साड़ी पहनी है, और जोशी जी भी गए हैं
गाड़ी निकालने के लिए बाहर सब तैयार हो गए हैं। चलिए हम भी चलते हैं। मेरे देवर जी कश्मकश में जुड़े हुए हैं दरवाजा बंद करने में। मस्त लग रहे हो देवर जी कोट पैंट में। चलिए अभी निकलते हैं हम। यहाँ शीलू मैम को भी देख लो, इधर देखो, हाय बोलो। हेलो। वहाँ जोशी जी आ रहे हैं, गुस्सा करने आ रहे हैं ये तो हमें कि निकल रहे हो नहीं निकल रहे हो। ये रहे मेरे कमला देवर जी। देवर जी हाय तो कर दो। हाय हेलो कैसे हो। चलो मम्मा को आगे बिठा रहे हैं ताकि बाकी सब पीछे आ जाए। फोन रख लो साथ में सब। ईशान आ गया। अच्छा। रात के 8 बज रहे हैं अभी। हम लोग घर से निकल चुके हैं। दीदी दीदी की गोद में क्या नाम है आपका, मैं नाम भूल चुकी हूँ, शीलू। यहाँ पे देवर जी मुझे को मरोड़ा देते हुए, देवर जी की गोद में छोटे देवर जी। कुछ इस तरीके की एडजस्टमेंट है। जी हमेशा की तरह ड्राइविंग सीट पे, बगल में ईशान की दादी माँ, दादी पोता आगे दोनों बैठे हुए हैं। ईशान हाय कर दो। आरती को शादी के बाद मिलने वाली है, उसके ससुराल जाके स्पेशली। दीदी को ऐसे लग रहा है मैं व्लॉग में आ रही हूँ, पहले साड़ी सेट कर लूँ। अरे उस दिन क्या सीन हुआ मंडी में, है ना? नहीं आंटी नहीं थी, आरती दीदी थी। क्या हुआ था? वही भैया वाली बात। क्या हो रहा था दीदी ने? भैया दीदी की भैया वाली बात तो सब नहीं पकड़ी है दीदी को। बोला कैसे पड़ी थी बता दो भैया। सेटिंग देखो कितनी अच्छी कर रखी है, आराम से फैल के बैठे हुए हैं ना। कोई बात नहीं मेरा भाई है, जैसे पगले तू मेरा भाई है। सिर्फ 1 मिनट की दूरी है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे पैलेस में जहां हो रहा है रिसेप्शन। शीलू की पोजीशन हो चुकी है चेंज। दीदी कैसा लग रहा है आपको? ये देवर जी तो लटकते लटकते कहां पहुंच गए नीचे। सोने की एक्टिंग मस्त कर लेते वैसे। दिखा दी बत्ती सी, ये बोलना होगा ना सरप्राइज। पहुंच गए अभी हम, ये रहा पीछे पैलेस और यहाँ पे अभी कार पार्क की जा रही है। सब खड़े अब बैठी है हमारी आरती दुल्हनिया। ये बुआ का तो पहचान नहीं रहा है। बुआ का पहचान कौन? बुआ ईशान को बुआ पहचान में नहीं आ रही। बुआ छोटी बुआ का पहचान नहीं रहा। देवर जी पहुंच गए स्टेज पे। जोशी जी खुश रहो खुश रहो। जी महाराज मेरे बैग पीछे रखा ही फोटो खिंचाने सामने चॉकलेट का लालच देके ईशान को बिठाया गया गोद में। मामा जी इंतजार। अच्छा भोगे सा रुको रुको एक मिनट भोगे सा। ईशान प्यार कर आए थे कि तरफ कह रहा चॉकलेट दो। हां ला खुले दे दूंगा तेरे को। पैसे लेके आया बुआ से। यहाँ के भी पैसे मांग रहा है बहुत, लड़का मानता नहीं है। आप दो छोटा नोट है, दो नोट दे रहा हूँ बड़े। जमाई जी बधाई हो आपको। थैंक्स थैंक्स। आपको भी बधाई हो। आरती मुझे शादी वाले दिन से ज्यादा आज सुंदर लग रही है, बस खुले बालों में ज्यादा सुंदर लग रही है। हंसना मत आप पिचासो की तरह। जमाई जी से परेशान तो नहीं किया? परेशान करेगी मुझे फोन कर देना, मैं सिखाऊंगी और परेशान कर। आरती का मन कर रहा है ईशान को अपने पास बुलाऊं, इसके साथ खेलूं। ईशान अपनी मस्ती में लगा हुआ है, वो आ ही नहीं रहा।
रसरी बेचारी जानवर देखे जा रही है बैठ के। एंटी फार्म्स के मालिक और ये इनके सब्सक्राइबर है। फोटो शूट हो रहा है अभी यहाँ पे। आ जाओ, ओए देख लिया मैंने, देख लिया से दोनों बड़े ये भाई हैं, ये दोनों बड़े आपके से, ये छोटे मामा। नहीं बेटा आपके ये छोटे भाई हैं। हां नहीं यार, आपसे तो कब मिला था? कल आए थे ना, आंटी को छोड़ कल आए थे। खाने पीने का इंतजाम है, यहाँ पर टेबल लगी है खाना खाने के लिए। शीलू कह रही है कि पहले भाभी गोलगप्पे खाने का मन है, तो हम पहले उस साइड जा रहे हैं। शीलू पहुँच गई अपने पॉइंट पे। देवर जी भी हमारे साथ देते हुए। देवर जी और मैं मीठे पानी वाले, शीलू खट्टे पानी वाले। चलिए गोलगप्पों से करते स्टार्टिंग। टन टन मीठा खट्टा सब आ गए धीरे धीरे यहीं। मिक्स मिक्स वेज। एक टिक्की ली है, सभी टूट पड़े हैं इस पे। नेक्स्ट अभी हम खाएंगे चाउमीन। टेस्ट कैसा है मैडम? बढ़िया। हमारा तो फास्ट फूड खा के पेट भर गया है, अभी हलवा खाया जा रहा है यहाँ पे गाजर का। मम्मा गोलगप्पे खा रहे हैं, मौसी मौसा जी खुश हैं यहाँ पे। वहाँ पे आरती अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही है। मेरे स्टाइल की टिक्की, मुझे कुछ चटनी वगैरह अच्छी नहीं लगती, सिंपल टिक्की ऊपर से मसाला जस्ट। ईशान देखो क्या हरकत कर रहा है स्टेज पे, अकेला ही खड़ा। कहाँ रहा है? गिर जाएगा ईशान। आजा आजा। आजा 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 आजा। देवर जी की ऐसी फोटो क्लिक की जा रही है, ऐसी कि रिश्ते के लिए भेजी जाए और एक बार में हाँ हो जाए। आपने खींची थी, एक बार में हाँ हो जाए। शीलू कह रही मैं भी सेल्फी ले लूं लगे हाथों। अरे तेरा होना हुआ क्या? तो लो दोनों को खाने के बाद भैया। चलो ओके भैया। मेरी कॉफी ले रखा क्या? हम डरते हैं क्या? डरते हट हट, हम डरते हैं क्या? अभी डिनर वगैरह हो चुका है, मैंने मम्मा ने और जोशी जी ने खाना नहीं खाया है क्योंकि आरती हमारे घर पे आएगी, उसके बाद सत्यनारायण भगवान जी की कथा होगी, उसके बाद हमारा लहसुन प्याज खाना स्टार्ट होगा। तो इस चक्कर में हमने अभी लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाया है। जो हमारा खाना नहीं खाया,
नहीं खाना खाया था, पर बिना लहसुन प्याज का खाना खा रहे हैं ना, जब तक कथा नहीं होती तब तक नहीं खा सकते ना, ऐसा होता है रूल। तो अभी आरती कन्फर्मेशन ले रही है कि भाभी रोई थी? नहीं रोई थी, मैं रोई थी लेकिन तेरे जाने के बाद। तूने शर्त ये लगाई थी कि मेरे जानने से पहले पहले तक तुम नहीं रो। ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसे ही बोला था। देखेंगे, हाँ हाँ देख लेना, ब्लॉग में चेक कर लेना कि मेरे सामने रहना तुम और तुम रोओगी नहीं। तो मैं सामने थी और मैं रोई नहीं, बात ही हुई थी है। अरे नहीं, वो तो मम्मी रो रहे थे ना, मम्मी को चुप कराते कराते रोने लगी थी। चल जो भी था जैसे भी था, बाद में तो भाई बंदा रोता ही है, रोना तो आता ही है। देखो लड़की की हमने विदाई की है तो रोना तो आता है, लेकिन बात ये थी कि आरती के सामने नहीं रोना था, तो मैं आरती के सामने नहीं रोई थी, उसको विदा करके रोई थी, क्योंकि मम्मी इतना टूट रहे थे इसके सामने। नहीं तो लड़की बोल सकता है रोती नहीं है जल्दी जल्दी, लेकिन मम्मी का रोना देख के इसका भी रोना निकल गया था। अगर मैं वहाँ पे फैल जाती फिर रायता ही फैल जाता एकदम से। तो मैं जानती हूँ मैंने कैसे कंट्रोल किया था, आरती को भी अच्छे से पता है, दीदी को भी पता है। जब हम डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे तो रो रो के मैंने प्रैक्टिस की थी, मैं कह रही दीदी मेरे से अभी नहीं कंट्रोल हो रहा था, मैं उस समय कैसे कंट्रोल करूँगी, बट मैंने कंट्रोल कर लिया था। ईशान का है, ईशान का है, मम्मी ईशान का है, दीदी ईशान का है, दीदी कहाँ फोन कर के। रिश्ते में ये लगते हैं आरती के भतीजा जी, लेकिन ये हमारे छोटे पंडित जी, इतना प्यारा मंत्र उच्चारण करते हो, कहाँ से सीखा आपने? है पंडित जी, कहाँ से सीखा आपने? दादाजी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बड़े पंडित बनोगे आप। हो वैसे ऑलरेडी हो बहुत अच्छा, इतना छोटा बच्चा और इतना ज्ञान है इसको, बहुत प्यारा बच्चा है। जोशी जी जमाई जी से बात कर रहे हैं, आरती को घेर के बैठे हुए हैं, मम्मी का गैंग वहाँ है। इसको हम यहाँ पे अपने साथ लाए थे और इसने यहाँ पे हुड़दंग मचा दिया है बहुत ज्यादा। बाबू इधर देखियो कहाँ घुस रहा है, बाबू इधर देख, आइयो आइयो बाहर आइयो आइयो, आजा 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 जल्दी आजा। आ बाबू गोदिया गोदिया, जल्दी 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 जल्दी। हाँ ईशान को देखो ना क्या कर रहा है। हे भगवान, ये लड़का एक मिनट नहीं टिका कहीं पे भी, वो घुसा हुआ अंदर सोफे के। आते डांस करके चीज देंगे चीज, ऐसे मत फिर रुलाएगा बोला निकला डांस किया फिर चला गया। गुफा में से निकल के शेर आ रहा है। संदन संदन हमारे दूल्हा दुल्हन भी आ रहे हैं हमें छोड़ने के लिए। आगे आगे ताऊ जी जा रहे हैं जोशी जी के साथ, भैया स्पेशल आए बाहर मिलने के लिए। चलो 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 चलो, ऊपर गाड़ी खड़ी कर रखी है वहाँ पे। गाड़ी में बैठते ही शाम को पानी पीना है, लीजिए। आरती वीडियो बना रही है कि हम कैसे फंस फंस के आए, प्रूफ रहना चाहिए। वेरी गुड, बाय बाय आरती, बाय 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 बुआ। बाबू मुझे भी आना है, कह रहा आजो कहाँ बैठू, अच्छा मेरी बोली बैठो, बाय बाय जगह नहीं है, बाय बाय जगह नहीं है, बाय 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 ताऊ जी बुआ बाय बाय।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी हो गए हाँ तभी आप ही भाई पीछे अगर छोड़ दो पीछे। गुड मॉर्निंग माई फैमिली। गुड मॉर्निंग भाभी जी। रात के 12 बजे पे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सब लोग स्पेशल ये देख रहे थे कि कैसे सेटिंग में एक गाड़ी में बैठ के सब लोग आ गए। ताऊ जी कह रहे वाह क्या बात है, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्या सेटलमेंट की है। वो खड़े देखते रह गए हम सब गाड़ी के अंदर घुस गए। काफी काफी अच्छा लगा। फैमिली बहुत अच्छी आ रही थी, देख के बहुत अच्छा लगा। सब लोग डांस आ रहे थे, क्या मस्त डांस किया और बहुत प्यारी लग रही है जोड़ी दोनों की। मेरी ड्रेस को देख के सबने बोला कि क्या ही बात है, क्या ही बात है, जबरदस्ती में ही मतलब जबरदस्ती। आज हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, हम सब में से कोई भी नहीं रोया आज। और सबसे बड़ी दाद देनी पड़ेगी मम्मी की हिम्मत की। क्या बात है, मम्मी के लिए क्लैपिंग कर दो भाई एक बार, क्लैपिंग कर दो मम्मी के लिए एक बार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मम्मी ने डांस में भी कंट्रोल किया, दो ताली बजे। अरे ठीक है ठीक है, बस चले सारे। सब इस लड़की की जिद का मामला है। ईशान जिद पैड़ा हुआ कि मुझे आइसक्रीम खानी है, और इसकी जिद पूरी करने के लिए जोशी जी दिल्ली में गाड़ी घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। अब पता नहीं चुप रहे आपने आइसक्रीम ऑरेंज वाली ऑरेंज कभी मैंगो बोल रहा, कभी ऑरेंज बोल रहा है। ईशान को सबसे पहले आइसक्रीम मिल चुकी है। हां बहुत है ठीक है भाई, ये 1 2 3 4 5 ही दे दे। गले की भले ही बैंड बज रही है लेकिन फिर भी आइसक्रीम खाने से हम नहीं मानेंगे। रात के 1:30 बजे अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर। कार में से सामान निकाला जा रहा है, जोशी जी गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में, हम चलते हैं घर की तरफ। ईशान क्यों फैल गया, क्या हो गया? फाइनली घर पहुंच चुके हैं अभी हम। रात के 1:45 बज रहे हैं। और कितने घंटे का सफर है जोशी जी? 1.5-2 घंटे का ना? 1.5 घंटे का लगता है। जाते समय तो हमें तकरीबन 2 घंटे लग गए थे, आते समय भी सड़क खाली थी तो जल्दी पहुंच गए टाइम पे। जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया था, जब तक आरती और जमाई जी घर नहीं आते, पूजा पाठ नहीं करते हम, तब तक हम लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खा सकते। बिना लहसुन प्याज का खाना घर में बन रहा है हमारे। तो दोपहर में जो खाना था वही खाना, थोड़ा सा बचा हुआ उसी को गर्म किया जा रहा है, वही खाना भी खाया जाएगा। मेरा तो मन नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ पे टिक्की खा ली थी हल्की सी और गोलगप्पे भी खा लिए थे, तो मेरा तो फिर भी कहना कहीं ओके। जिसमें जोशी जी ने कुछ भी नहीं खाया बिल्कुल भी, मम्मा ने भी थोड़े गोलगप्पे खा लिए थे वहाँ पे। तो अभी यही करेंगे डिनर। और वहाँ पे आरती बहुत खुश नजर आ रही थी सबके साथ, अच्छा लग रहा है जोशी जी? बहुत बढ़िया लग रहा। जब वो लोग दोनों कपल डांस कर रहे थे, जमाई जी को इतना कुछ खास ज्यादा डांस करना नहीं आता, जोशी जी की जैसी है वो भी, लेकिन फिर भी वो आरती का पूरा साथ दे रहे थे डांस करने में, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और पूरी फैमिली आस पास में जो सब खड़े थे, सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे और हल्लाशेरी दे रहे थे। तो ऐसी बॉन्डिंग, ऐसा प्यार बस बना रहे आपस में, और हमारी बिटिया रानी खुश रहे उस घर में, यही दुआ करते हैं। तो जोशी जी को नींद भी आ रही है। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। काफ़ी सारे लोग हमें वहाँ पे मिले भी, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स वहाँ पे मिले, बहुत अच्छा लगा। इवन जिस पैलेस में पार्टी हुई है वहाँ के ओनर स्पेशल हमें मिलने के लिए आए, तो काफ़ी अच्छा लगा। और जोशी जी के साथ उनका नंबर भी एक्सचेंज हुआ है, कभी हम वहाँ जाएंगे तो उनसे मुलाकात भी होगी ज़रूर। तो जितने भी लोग वहाँ पे मिले, जिनके साथ भी पिक्स वगैरह क्लिक की, सभी बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने दी रिस्पेक्ट दी, इतना प्यार दिया। और जब आप में से कोई भी कहीं भी देखता है तो हमें बुला लिया करो, मिल लिया करो, हमें भी अच्छा लगता है ना जोशी? अच्छा था ना, बहुत बढ़िया। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया तो करो, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। आहा आहा।